संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या है, विद्यापीठ से ही शुरू करता हूं मैं फिर से, लेट्स कम टू विद्यापीठ। विद्यापीठ आईएएस अकेडमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ भी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं चलता, हर चीज अपने सिस्टम से, अपने प्रोसेस से चलती है। उदाहरण तौर पर आप लोगों ने कुछ पढ़ना है, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या वो पीएचडी होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो खास गुण यूपीएससी रिलेटेड कोचिंग के होने चाहिए, या यूपीएससी के एफर्ट्स जो लगते हैं एस्पिरेंट्स के, वो उसको बखूबी पता होने चाहिए कि क्या उनकी स्ट्रगल होती है, किस तरह से उनको पढ़ना है, किस तरह से उनको सब्जेक्ट को संभालना है, किस तरह से उनको याद रहेगा, किस तरह से उनको प्रैक्टिस करना है, कैसे आंसर्स उनको लिखना है, ये सारी। ऑल राइट, ओके, कोई बात नहीं। तो किस तरह से सारी चीजें चलनी चाहिए ये उस टीचर को पता होना चाहिए। डज हिज एज मैटर? नॉट एट ऑल। तो ये एक हमारी अपने किस्म की एलिजिबिलिटी है कि उसका ओरेशन अच्छा होना चाहिए, थ्रो अच्छा होना चाहिए, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से बात को समझा सके, उदाहरण दे सके, एग्जाम्पल्स दे सके। ये भी एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। तो विद्यापीठ में पहली चीज तो ये हो गई, टीचर कौन बन सकता है, और फिर ये भी है कि विद्यापीठ में कौन कौन आ सकता है। ये नहीं है कि क्रिप्टो वाले भी आ रहे हैं विद्यापीठ में, या बैंक वाले भी। नॉट ऑल पीपल कैन एंटर विद्यापीठ, पीपल विल एंटर विद्यापीठ ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज विद्या। सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड कोई चीज अगर क्वेरी है, सिर्फ हम वो एंटरटेन करेंगे। तो विद्यापीठ का काम या विद्यापीठ के फंक्शन भी आपको पता चल गए, और विद्यापीठ को कौन कौन मैनेज करेगा, कौन कौन चलाएगा, हमारा सपोर्ट स्टाफ होगा, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होंगे, हमारे टीचर्स होंगे, हमारा ये सफाई कर्मचारी भी हमारे यहाँ होंगे, हमारा क्लीनिंग स्टाफ वो हमें सपोर्ट करेंगे, हर चीज, इलेक्ट्रिशियंस होंगे, अभी गर्मियां आएंगी, जैसे अभी गर्मी नहीं, अभी सर्दी चल रही है, या गर्मी आएंगी तो एयर कंडीशनर्स को ठीक करने वाले या सर्विस करने वाले होंगे, और आप लोगों का मटेरियल बनाने वाले जो हमें पर्दे के पीछे सपोर्ट करते हैं, हमारे कंटेंट डेवलपर्स जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, वो भी होंगे हमारे साथ यहाँ पर। तो हर बंदे का एक अलग किरदार है यहाँ पर, हर बंदे का एक अलग पार्ट है यहाँ पर। फिर इनफैक्ट अगर मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, मान लो समझ में नहीं आया आपको, कुछ भी समझ में नहीं आया, यस दैट इज योर राइट, बिकॉज यू हैव गिवन मी द मनी। सी प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, विद्यापीठ कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, और देश भी कोई किसी पर चैरिटी नहीं कर रहा है। लोग टैक्स देते हैं तब सरकार उनको वापस करती है, सरकार किसी पर एहसान नहीं करती उनको गवर्न करके, प्लीज अंडरस्टैंड। इसी तरह हम यहाँ पढ़ाकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप लोगों के पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी उसको आप यहाँ पर जमा कराते हैं, उससे बड़ी चीज आप लोगों का ट्रस्ट। आप लोग पैसा तो कहीं भी दे सकते हैं आप, फिर आप लोगों का विश्वास जो लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, आप लोगों के पेरेंट्स जब आते हैं और वो और हम उनको विश्वास दिलाते हैं दैट यस मैम, यस सर, वी विल डू जस्टिस टू योर चाइल्ड जस्टिस, तो हम ये सारी चीजों का उनको विश्वास दिलाते हैं, ये सारी वैल्यूज हम आपके पेरेंट्स को देते हैं कि हाँ हम इन चीजों को अश्योर करेंगे। देन यू आर राइट कि भाई ठीक है, अगर मैं ऐसे ही मनगढ़ंत वो कर दूं कि मैं शाम को 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद लेक्चर लूं, या सुबह 5 बजे लेक्चर लूं, ऐसे नहीं होगा ऐसा बट स्टिल अगर फिर भी फर्ज करो अगर ऐसा हो गया, तो आपकी राइट है कि नहीं सर ये टाइम मुझे सूट नहीं करता, प्लीज इसको चेंज करो। और फिर उसके अलावा आपकी ड्यूटीज भी है। ड्यूटीज क्या है? हर हफ्ते जैसे एक नई ड्यूटी मैंने एक्सेल बनाया, आपके मॉक्स को रेट करना कि भाई कौन सा बच्चा कितने मॉक्स कर चुका है। उसमें दूसरी चीज ये भी है ना, आपके पेरेंट्स कल को मेरे पास आएंगे कि बताओ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप तो, कि मैं वरुण को आईएएस बनाऊंगा या मैं रमन को डीसी बनाऊंगा, कहाँ गया आपका डीसी, कहाँ गया आपका एसपी हमारा लड़का तो फिर मीरपुरी रह गया। तो मैं उनको फिर जवाब दूंगा कि सर ये देखिए ये इसकी परफॉर्मेंस है, 8 तारीख को इसने सिर्फ 9 या 11 टेस्ट करे थे, या उसके बाद अगले हफ्ते 16 तारीख को इसने हर रोज एक टेस्ट करा, अब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 8 × 16 हो गए। तो आई विल टेल योर पेरेंट्स दैट सर दिस इज, तो उनका भी हक है, तो दे आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, आई एम ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। सो सारे स्टेक होल्डर्स की राइट्स, ड्यूटीज, उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी पावर्स, ये सारी चीजें
मतलब आपको एक चीज और पता चल रही होगी, अगर ये पावर्स आर्बिट्रेरीली कोई भी बंदा कैसे भी चला रहा है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस बच्चे का जब दिल कर रहा है वो आ रहा है, जिस टीचर का जब दिल कर रहा है वो आ रहा है, उसका जो दिल कर रहा है वो पढ़ा रहा है, सिलेबस की तरफ फोकस नहीं दे रहा, सिलेक्शन की तरफ फोकस नहीं दे रहा, यूपीएससी का उसको कुछ पता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह बच्चों का भी है, यू ऑल हैव दोज राइट्स एंड यू ऑल हैव दोज ड्यूटीज ऑल्सो। सो इसी तरह इसका मतलब विद्यापीठ एक सिस्टम से चलेगा तब विद्यापीठ आगे बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, कोई पावरफुल नहीं रहेगा, पावर वैक्यूम आ जाएगा, कोई ना कोई आतंकी यहां पर आ जाएंगे, अनसोशल एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, एक दिन बंद हो जाएगा। सिंपल, मैं तो ब्लंट बोल रहा हूं, अगर हम हरकतें अच्छी नहीं रखेंगे, अपना आचरण अच्छा नहीं रखेंगे विद्यापीठ में, स्टूडेंट्स विल नॉट अपियर, अगले साल नोबडी विल टर्न अप टू विद्यापीठ कि सर हमें पढ़ाइए आप, हमें कोचिंग दीजिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। तो एक सिस्टम से हमें इन सब चीजों की मर्यादा रख के चलना होगा। तो ऑब्वियसली ये रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी पावर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ये ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद्यापीठ का, ये सारा का सारा एक किताब में लिखा होगा जो होगी रूल बुक, रूल बुक ऑफ विद्यापीठ आईएएस। एंड आई कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विद्यापीठ। इसी तरह अगर मैं विद्यापीठ को मैग्निफाई कर देता हूं, एक कंट्री की बात करता हूं, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं, पुलिस वाले हैं, जजेस हैं, सरकार है, मीडिया है, मंदिर है, आपके माँ बाप हैं, फैमिलीज हैं, चर्च है, एवरीथिंग इज देयर, हर कोई है यहाँ पर। और अगर ये स्टेक होल्डर्स की मैं राइट्स, ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पावर, ये सब चीजें डिफाइन करना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 35 साल के हो तो प्रेसिडेंट बन सकते हो और भारतीय होने चाहिए, अमेरिका की तरह जरूरी नहीं भारत में पैदा हो, अब रोहिंग्यास भी क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जो CAA थी अमेंडमेंट एक्ट उसके हिसाब से कोई पाकिस्तानी भी, एक्स पाकिस्तानी या फॉर्मर पाकिस्तानी भी क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट बन सकता है, सरदार होना चाहिए या वहां की माइनॉरिटी होनी चाहिए, कोई अफगानिस्तानी भी अब तुम्हारा प्रेसिडेंट बन सकता है बाय नेचुरलाइजेशन अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाए, यस दिस इज अ टेक्निकल थिंग। तो यहां पर सारे के सारे जो आस्पेक्ट्स हमने विद्यापीठ के बारे में देखे थे वही आस्पेक्ट्स अगर अब मैं मैग्निफाई करके इंडिया के बारे में बोलूं, तो इंडिया के रूल्स, इंडिया के रेगुलेशंस, स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, कैसे उनको गवर्न करना है, उनके वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है, अगर वो गलत करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें इंडिया की एकमात्र रूल बुक के अंदर लिखी हुई है, जिस रूल बुक को मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। सबको समझ में आया? तो यस, ऑनलाइन पीपल, हैव वी ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ?